तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Infinix Note 11 और Note 11s के बारे में। तो गाइज ये इंडिया में Infinix Note 11 सीरीज के पहले डिवाइसेस होंगे। Infinix Note 11s को Infinix ने सबसे पहले थाईलैंड में लॉन्च किया था और अब जल्द ही हमें इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। ये सीरीज हमें MediaTek Helio SoC के साथ देखने को मिलती है और कई सारे खास फीचर्स जैसे कि 120Hz डिस्प्ले, 33W चार्जिंग एक्सेट्रा के साथ ही आते हैं। Infinix India के CEO ने इन्हें किया है, मतलब जल्द ही ये लॉन्च होंगे और अगले महीने दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये हमें देखने को मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इनके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही इनकी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पहले बात करें इनके स्पेसिफिकेशन से, तो नोट 11 में हमें 6.7 इंचेस का एक फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले पैनल, स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट, 650 निट्स पीक ब्राइटनेस, 86% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और 393 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ देखने को मिलता है। वहीं नोट 11s 6.95 इंचेस के फुल HD+ 120Hz रिफ्रेश रेट वाले IPS LCD डिस्प्ले पैनल, 84.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 387 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है। MediaTek Helio G96 SoC के साथ नोट 11s और Helio G88 SoC के साथ नोट 11 देखने को मिलता है। नोट 11 6GB तक रैम के साथ 128GB तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शंस में आता है। वहीं नोट 11s 8GB तक रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज ऑप्शंस में देखने को मिलता है। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट इन दोनों में है। एंड्रॉइड 11 बेस्ड XOS 10 पे ये रन करते हैं। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इनके बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिनमें प्राइमरी सेंसर 50MP का और दो मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स होंगे। फ्रंट में इन दोनों में ही 16MP सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। पावर बैकअप के लिए ये 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही आएंगे और साथ ही फ्रंट फेस अनलॉक का सपोर्ट भी इनमें मिलेगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 4G 4G LTE Wi-Fi ब्लूटूथ GPS और USB Type-C 2.0 पोर्ट इसमें होगा। बात करें इनके एक्सपेक्टेड प्राइसिंग और लॉन्च की, तो ये हमें दिसंबर फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में देखने को मिलेंगे। और नोट 11s का बेस 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरियंट हमें 14-15,000 रुपीज के आसपास और वहीं नोट 11 का बेस 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट हमें 14,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। इन्हें काफी टीज किया जा रहा है, मतलब जल्द ही हमें ये देखने को मिलेंगे। जैसे ही इनके बारे में कुछ और नए अपडेट्स आएंगे तो आपको हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।